धर्मनगरी वृंदावन में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस सादगी पूर्ण ढंग से मनाया गया। मथुरा मार्ग स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उनके अनुयायियों द्वारा बसपा एवं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया, जहां उपस्थित जनों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके द्वारा देश एवं समाज के हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कहेंगे उसके बारे में। सम्मानी बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आपके शहर वृंदावन स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भारत रत्न संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहब का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस आयोजित किया गया है। उसी श्रृंखला में आज हम सभी बाबा साहब के अनुयायी एकत्रित होकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए माल्यार्पण और धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाकर उनकी याद में, उनकी स्मृति में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इस शुभ अवसर पर बाबा साहब के अनुयायियों को व समस्त वृंदावन नगर की जनता को, तमाम धर्मलामियों को स्वागत व अभिनंदन करना चाहेंगे। बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही हम सभी गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित लोगों का सफलता की ओर हमें तभी हम जा पाएंगे जब हम बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाएं, बाबा साहब की नीतियों को अपनाएं। जैसा बाबा साहब ने कहा था, उसी रास्ते पर चलकर हम समाज का उत्थान कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत। आज 64वें श्री स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर जी के पूर्ण दिवस में के अवसर पर सारे समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता आज वृंदावन इस अम्बेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं। इसी सद्भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जब विदेशों में भी असेंबली में ये कह दिया गया कि देश अगर चलेगा तो स्वर्गीय अम्बेडकर जी के विचारों से चलेगा, और देश में जो संविधान और कानून के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे वो स्वर्गीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, और उन्होंने आज जो हमारा देश विकसित हुआ है, हमारे देश में जो तरक्की की है, वो उनका श्रेय केवल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को ही जाता है। और मैं किसी भी पार्टी का नाम ना लेकर मैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि देते हुए कहता हूँ कि आप भी भीमराव अम्बेडकर जी के बताई हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे विद्वान व्यक्तित्व थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने आज से कितने वर्षों पूर्व ये सब लिख दिया था कि ये सब देश के लिए, ये सब कानून ये काम आएगा। आज कानून के तहत ही हमारा देश, जो कानून हमारा देश सबसे पहले लिखित संविधान है, इनसे 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां हैं, इसमें मौलिक अधिकार हैं, इसमें मूल कर्तव्य हैं, इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सारे ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है इसमें वाद विवाद हो, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ऐसा उनने कोई कानून नहीं छोड़ा, कोई ऐसा नहीं छोड़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और उन्होंने सारा जो कानून बनाया बहुत अच्छा बनाया, उसी के अनुसार चलने के लिए हम आज संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी के युवा उन्हीं के पड़ा सोच, उन्हीं के अनुसार उनके बताए हुए सदमार्गों पर चलेंगे।